एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? सब मस्त है ना? एकदम से एसएन वन रिएक्शन का तो डेफिनेटली आपने रिवीजन कर ही लिया होगा, क्योंकि अपन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक की बात कर रहे थे वो थी एसएन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके अंदर एसएन वन मैकेनिज्म को अपन डिस्कस कर चुके हैं, आज अपन डिस्कस करेंगे एसएन टू मैकेनिज्म को। याद है ना, बोला था कायर है, कायर पीठ के पीछे से अटैक करेगा, तो इससे थोड़ा बच के ही रहना, कायरों से दूर ही भागना चाहिए वैसे भी। तो देखो क्या होने वाला है इस रिएक्शन में, कि ये जो अपना एल्किल हैलाइड वाला बॉन्ड है, अपन जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, एक्स जो है वो ज्यादा बलशाली है, खींच लेगा इलेक्ट्रॉन को। जो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन और हैलोजन वाले बॉन्ड के अंदर हैलोजन ने दिया है, वो अपना लेने के साथ साथ इस कार्बन का भी ले लेता है, और अगर ये कार्बन का ले लेता है तो कार्बन के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, डेल पॉजिटिव चार्ज अपन यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये जो डेल पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर आता है, ये गरीब हो जाता है। भाई पॉजिटिव चार्ज मतलब जो था वो भी लुट गया, और लुट गया तो मतलब हो गया गरीब। अब इसको गरीब रहने कौन देगा? एक दोस्त आता है, बोलता नहीं मैं तुझे गरीब नहीं रहने दूंगा। वही दोस्त आपका न्यूक्लियोफाइल है। ये दोस्त आया और बोला कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, तू टेंशन मत ले, मैं तेरे को दे दूंगा। और दे दूंगा तो इसने क्या किया, पीछे से अप्रोच किया। मैंने इसको कायर क्यों बोला, क्योंकि जब तक इस दोस्त ने पीछा नहीं छोड़ा तब तक ये आया भी नहीं, इसीलिए कायर है। अगर दोस्ती करनी थी तो आगे से आता। इसीलिए अपन ने बोला कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो इसके गरीब होने के बाद में हाथ बढ़ाने के लिए आता है। कंडीशन में क्या होगा, ना तो ये एक्स वाला बॉन्ड टूटेगा ना ये एनयू वाला बॉन्ड टूटेगा। इस तरीके की कंडीशन अपने पास में आएगी जहां पर ये एक्स वाला बॉन्ड तो टूटता हुआ नजर आएगा, ये न्यूक्लियोफाइल वाला बॉन्ड बनता हुआ नजर आएगा, बाकी बैलेंसिंग अपन इसकी एज इट इज रख देते हैं। सोचो कार्बन एक्स वाला बॉन्ड अपन तोड़ रहे थे, बोल रहे थे दोस्ती है, निभाएगा, तोड़ेगा नहीं, फिर भी खींच लिया क्योंकि अपना फोर्स ज्यादा था। ये वही वाली बात तो होगी ना, कि एक गर्लफ्रेंड साथ छोड़कर के जा रही है, दूसरी गर्लफ्रेंड से बॉन्डिंग हो रही है, लेकिन ये जो बेचारा कार्बन है ना, ये उस बॉयफ्रेंड की तरह है जो इन दोनों ही गर्लफ्रेंड का साथ नहीं छोड़ पा रहा है ना, हो गया ना कुछ वैसा ही हालत। तो सोचो अब इसको साथ तो छोड़ना पड़ेगा, वरना या तो ये इसकी धुनाई कर देगी या तो ये इसकी धुनाई कर देगी, और पिटाई, और कार्बन की ऑर्गेनिक गई काम से। इसलिए इसको पिटाई होने से बचाने के लिए क्या करेंगे, पहले वाली गर्लफ्रेंड को बोलेंगे बाय बाय, और अगर पहले वाली गर्लफ्रेंड को बाय बोला तो नया बॉन्ड बन गया अपना कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच में। कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच में ये जो नया बॉन्ड बना वो अपने लिए रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट को ले आया। रिएक्टेंट जो था वो एल्किल हैलाइड था, एक हैलोजन डेरिवेटिव था अपने पास में, जबकि जो प्रोडक्ट अपने पास आ रहा है उसके अंदर ये जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा, मान लो मैंने न्यूक्लियोफाइल की जगह पे हाइड्रोक्साइड आयन OH- काम में लिया है, तो इस कंडीशन में आपके पास प्रोडक्ट जो है वो एल्कोहल बन के आ जाएगा। और जिस टाइप का न्यूक्लियोफाइल अपन लेंगे, लाइक साइनाइड ले रहे हैं तो साइनाइड बन जाएगा, आइसोसाइनाइड ले रहे हैं आइसोसाइनाइड बन जाएगा, जैसा न्यूक्लियोफाइल लेंगे वैसा ही प्रोडक्ट अपने को यहाँ पर मिल जाएगा। अब अगर अपन इस रिएक्शन की मैकेनिज्म की बात करें कि ऐसा कैसे हुआ होगा, तो अभी अपन ने डिस्कस किया कि यहाँ पर बॉन्ड पोलैरिटी की वजह से एक्स अपने बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन को खींचता है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो इसको गरीब रहने नहीं देता है, और इसकी गरीबी को दूर करने के लिए एक ट्रांजिशन स्टेट बनाता है, एक संक्रमण अवस्था बनाता है। एक बात सोचो, अगर पहले वाली गर्लफ्रेंड का साथ नहीं छूट रहा और नई वाली गर्लफ्रेंड भी अभी तक स्टेबल नहीं हुई है, तो क्या वो जो कार्बन है वो स्टेबल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो ये जो कंडीशन अपने पास बन करके आई थी, जहां अपन न्यूक्लियोफाइल वाला बॉन्ड भी बना रहे थे, कार्बन के साथ में ये जो हैलोजन वाला बॉन्ड है इसको भी तोड़ रहे थे, ये ट्रांजिशन स्टेट बन के आती है आपकी, और ये जो ट्रांजिशन स्टेट होती है वो स्टेबल नहीं होती है। मूवी देखी ना, किस किस को प्यार करूं मैं, बेचारा कपिल, कपिल शर्मा फंस गया था ना तीन तीन बीवियों के चक्कर में, चौथी गर्लफ्रेंड से और हाथ धोना पड़ गया था। क्या वो तो मूवी थी, उसमें तो लास्ट में सब सही हो गया था, लेकिन ऑर्गेनिक में सही नहीं होता है। या तो बॉन्डिंग इसके साथ रहेगी या तो बॉन्डिंग इसके साथ रहेगी, दो में से किसी एक के साथ हो सकती है। इसीलिए अपन ने बोला कि ये जो कार्बन पेंटावेलेंट यहाँ पर हो रखा है, पांच वैलेंसी इसने यहाँ पर रखी हुई है, ये पेंटावेलेंट कार्बन इन दोनों में से किसी एक वैलेंसी को ड्रॉप करेगा, और ड्रॉप कर करके एक स्टेबल फॉर्मेट के अंदर बदलेगा, वो स्टेबल फॉर्मेट ही अपना ये न्यूक्लियोफाइल वाला अप्रोच है। यानी होगा क्या, इससे आएगी ये ट्रांजिशन स्टेट, इस ट्रांजिशन स्टेट से आएगा अपना ये वाला स्टेप। अब ओवरऑल अगर अपन रिएक्शन के मैकेनिज्म को तरीके से लिखे और ये देखें कि कौन सा स्टेप यहाँ पर स्लो है, कौन आरडीएस स्टेप रहेगा, किस पर रिएक्शन की डिपेंडेंसी रहेगी, और कैसे रिएक्शन का पता करेंगे, तो अपन अब इसकी ओर चलते हैं। एसएन टू मैकेनिज्म में अपन क्या करेंगे, अपने पास में ये रहा एक्स वाला बॉन्ड, इस कार्बन की तीन वैलेंसीज अपन ने एज इट इज रखी हुई है, इसके ऊपर अपन अटैक दिखाते हैं न्यूक्लियोफाइल का। ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो इसको अप्रोच करता है बैक साइड से, जिसको अपन कुछ इस तरीके से दिखाते हैं कि ये न्यूक्लियोफाइल वाला बॉन्ड बन रहा है,
ये एक्स वाला बॉन्ड टूट रहा है और बाकी की वैलेंसीज अपन ने एज इट इज रखी हुई है। ये अपना पहला स्टेप आ जाता है। अगले स्टेप में अपन क्या करते हैं, ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ब्रेक कर देते हैं और ये जो अपना बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच हो जाता है, साथ में आपका ये एक्स माइनस यहाँ से हो जाता है फ्री। अब देखो इस स्टेप के अंदर जहां अपन ने न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच दिखाया हुआ है, इस एनयू के ऊपर अभी भी आपका नेगेटिव चार्ज है, इस स्टेप को ध्यान से देखना। इस स्टेप में अपन ने एक्स का बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो कार्बन था इसके ऊपर अपन ने अटैक दिखाया न्यूक्लियोफाइल का, कार्बन आपका पेंटावेलेंट हो गया, पांच संयोजकता को रखने वाला हो गया। अपन जानते हैं कि कार्बन जो है वो इतना बड़ा साइज बियर नहीं कर सकता, सहन नहीं कर सकता, तो इस कंडीशन में कार्बन एक बॉन्ड के अपना तोड़ देता है। वो बॉन्ड कौन सा तोड़ेगा, बॉन्ड पोलैरिटी इधर ही थी अपनी, तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया और पीछे की साइड से अटैक हो गया। ध्यान रखने लायक दो बातें, पहला स्टेप जिसके अंदर अपन एक स्टेबल कार्बन को उसकी पेंटावेलेंसी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये डेफिनेटली स्लो स्टेप होगा और आपका आरडीएस स्टेप भी होगा, बिकॉज इस स्टेप के अंदर कोई स्टेबिलिटी नहीं है, ये आपका आरडीएस यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप अपने पास निकल करके आ चुका है। अब देखो न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच आरडीएस वाले स्टेप के अंदर ही हो रहा है, यानी कि इस रिएक्शन के लिए अगर अपन रेट को लिखेंगे तो रिएक्शन की रेट जो है वो आरएक्स की कंसेंट्रेशन की तो प्रोपोर्शनल होगी ही होगी, साथ ही साथ हमारा ये जो न्यूक्लियोफाइल है इसकी कंसेंट्रेशन के ऊपर भी अपनी जो रेट है वो डिपेंड करेगी। मैंने आपको बोला था एस एन टू का मतलब था आपका बाई मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो भी कौन सी, न्यूक्लियोफिलर वाली बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिल एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अपन इस रिएक्शन को बोलते हैं। कारण ये रहा, ये जो रिएक्शन की रेट अपने को नजर आ रही है साफ साफ दिख रहा है कि ये दो मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करती है। अगर इन दोनों मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन के ऊपर आपके रिएक्शन की रेट जो है वो डिपेंड कर रही है, इसका मतलब रिएक्शन हो गई बाई मॉलिक्यूलर। अगर अपन बात करें एसएन वन रिएक्शन की, एसएन वन रिएक्शन में अपन ने क्या बोला था कि रिएक्शन की जो रेट है वो केवल और केवल इस आरएक्स के ऊपर डिपेंड करती है, एल्किल हैलाइड के ऊपर डिपेंड करती है, इसीलिए अपन ने उसको बोला था कि वो यूनिमॉलिक्यूलर है और ये जो रिएक्शन है वो आपकी बाई मॉलिक्यूलर हो गई। दूसरा देखो, अपन ने बोला कि यहाँ जो अपने पास में ये ट्रांजिशन स्टेट बनकर के आती है वो अनस्टेबल है, जबकि एसएन वन रिएक्शन में क्या बना था, ये बॉन्ड पूरी तरीके से टूट गया था और एक कार्बो कैटायन अपने पास बन करके आया था। तो देखो न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक कर रहा है, एक्स इधर से बॉन्ड छोड़ करके जा रहा है, एक ट्रांजिशन स्टेट बन करके आई है, तो क्या इस रिएक्शन के अंदर कोई इंटरमीडिएट बना, नहीं बना, क्योंकि इस ट्रांजिशन स्टेट के जस्ट अगले स्टेप में ही तो अपना प्रोडक्ट बन करके आ गया, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक पहुंचने में केवल एक ट्रांजिशन स्टेट बन करके आई है, ना कि कोई इंटरमीडिएट। तो रिएक्शन के अंदर दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ चुका कि रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट बनती है, इंटरमीडिएट नहीं बनता है। अब देखो ट्रांजिशन स्टेट का बनना अपन स्टेप में काउंट नहीं करते हैं, इसीलिए इस पूरी रिएक्शन को अपन क्या बोलेंगे कि एक ही स्टेप के अंदर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट अपना बन गया, कोई भी इंटरमीडिएट बीच में नहीं आया, इसीलिए इस एसएन टू रिएक्शन को अपन बोल देते हैं सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। एक ही स्टेप के अंदर ये जो मैकेनिज्म है वो हमारी खत्म हो जाती है, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म अपन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इंटरमीडिएट हमारे पास यहाँ बन करके नहीं आता है। अगर बात करें एसएन वन रिएक्शन की, वहां अपन ने देखा था कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बना था, यानी रिएक्शन की मैकेनिज्म वहां पर कौन सी हो गई थी आपकी, डबल स्टेप मैकेनिज्म, वो थी आपकी डबल स्टेप मैकेनिज्म। याद रखने का तरीका देखो, एस एन टू है यहाँ पे, ये जो टू है वो आया है इस बाई मॉलिक्यूलर के लिए, यानी रिएक्शन की रेट दो मॉलिक्यूल पर डिपेंड करती है, और अगर रिएक्शन की रेट दो मॉलिक्यूल पर डिपेंड करती है इसका मतलब रिएक्शन एक स्टेप में होगी, इसीलिए अपन ने बोला कि वो एक सिंगल स्टेप मैकेनिज्म अपने पास बन करके आएगी। देखो जैसे अपन ने एसएन वन रिएक्शन के लिए ये चेक किया था कि कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी है वो इसके सराउंडिंग ग्रुप्स के ऊपर डिपेंड करती है, कि कार्बन की ये जो वैलेंसीज है वो हमने किस टाइप के ग्रुप से कंप्लीट की है इस पे डिपेंड करती है, एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पर भी कार्बन की सराउंडिंग वैलेंसीज ये फिक्स करेंगी कि ये रिएक्शन जो है वो फेवरेबल रहेगी या नहीं रहेगी, या फिर किस ऑर्डर में होगी, कौन सा जो मॉलिक्यूल है वो प्रीफर करेगा एसएन वन एसएन टू रिएक्शन को, और उसके बाद में बाकी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी अपन चेक करेंगे। इसमें देखो अपना क्राइटेरिया क्या रहेगा, क्राइटेरिया रहेगा कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो आपका बैक साइड से अप्रोच कर रहा है जिसकी वजह से कार्बन पेंटावेलेंट हो रहा है, और ये जो इतनी बड़ा आकार इतना बड़ा साइज कार्बन का है वो उसको रख नहीं सकता, तो इस कंडीशन में अपन ये बोलेंगे कि इस कार्बन के सराउंडिंग ग्रुप जो है वो छोटे होने चाहिए ताकि इस कार्बन का जो आकार है वो और भी ज्यादा ना बढ़ सके, तो इसके साइज को छोटा करने वाली अगर अपन सराउंडिंग वैलेंसीज लगाएंगे उस कंडीशन में एसएन टू रिएक्शन फेवर करेगी, अदरवाइज एसएन टू रिएक्शन की फेवरेबिलिटी कम हो जाएगी, तो डिपेंडेंसी आगे इन ग्रुप्स के ऊपर। चेक करते हैं कैसे,
बात करते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर की। रिएक्टिविटी ऑर्डर में क्या करना है, इस कार्बन के साथ में आपने इस तरीके से ग्रुप लगा दिया और यहाँ पे लिख दिया एक्स। लगाने कौन से ग्रुप है अपने, छोटे ग्रुप लगाना है। छोटे ग्रुप का मतलब सबसे पहले तो हम यहाँ पर हाइड्रोजन लगा देते हैं। अगले स्टेप में अपन क्या करें, एक वैलेंसी हाइड्रोजन से, एक वैलेंसी मेथिल ग्रुप से और इस तरीके से कंप्लीट कर देते हैं। इससे अगला स्टेप क्या करें, इस बार जो वैलेंसीज है वो सारी ही हम लोग कार्बन से पूरी कर देते हैं। इस तरीके की कंडीशन हम लोग यहाँ पर डाल रहे हैं। क्लियर नजर आ रहा है कि हमारे पास में अभी दो मेथिल वाली कंडीशन नहीं आई है, तो वो भी हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं। ये कार्बन, ये एक्स, ये यहाँ पर एच सी एच थ्री और सी एच थ्री। देखो पहला जो हैलाइड है वो हमें नजर आ रहा है कि ये हमारा मेथिल हैलाइड है। दूसरा जो हैलाइड है यहाँ पर वो आपका वन डिग्री हैलाइड है। तीसरा जो हैलाइड हमें नजर आ रहा है वो हमारा टू डिग्री हैलाइड है। और चौथा जो हैलाइड हमें नजर आ रहा है वो एक थ्री डिग्री हैलाइड है। अब कुछ से सोच के देखो, अभी अपन यहाँ पर रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं, इसलिए अपन कुछ से सोचेंगे कि किसके अंदर कार्बन का जो साइज है वो बढ़ता हुआ अपने को नजर आ रहा है। हाइड्रोजन ज्यादा बड़ा ग्रुप होता है या फिर ये मेथिल ज्यादा बड़ा ग्रुप होता है। छोटा हुआ ना हाइड्रोजन, हाइड्रोजन छोटा ग्रुप है, इसका मतलब यहाँ तो हमने तीनों ही वैलेंसी छोटे ग्रुप के थ्रू कंप्लीट करी है। तो कार्बन पे जब बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा तो उस कंडीशन के अंदर इस कार्बन का जो साइज है वो ज्यादा बड़ा नहीं होगा। और कार्बन का साइज ज्यादा बड़ा नहीं होने के कारण इसकी रिएक्टिविटी SN2 रिएक्शन के लिए सबसे ज्यादा हो जाएगी। सेकेंड वाले की हम बात करें, जब हमने वन डिग्री हैलाइड लिया तो यहाँ हमें नजर आ रहा है कि हमने एक मेथिल ग्रुप का अप्रोच यहाँ पर दिखाया है। एक मेथिल ग्रुप का अप्रोच है यहाँ पर, जबकि यहाँ सब हाइड्रोजन थे। ज्यादा छोटा कौन हुआ, ऑफकोर्स ये वाला आपका ज्यादा छोटा हो गया, ये आपका ज्यादा बड़ा हो गया। बड़ा हो गया तो इन दोनों में से अगर अपन कंपेयर करेंगे तो SN2 रिएक्शन को फेवर कौन करेगा, ये करेगा। जितना ज्यादा छोटा ग्रुप होगा उतना ही SN2 रिएक्शन को फेवर करेगा। अगले में देखो दो मेथिल ग्रुप ऐड कर दिए, बल्किनेस बढ़ाते जा रहे हैं कार्बन के ऊपर। कार्बन के ऊपर अगर अपन बल्किनेस को बढ़ाएंगे तो उसकी स्टेबिलिटी यहाँ पर कम हो जाएगी, क्योंकि इसके पास स्पेस नहीं है। जितनी जगह है उतनी तो ग्रुप जोड़ेंगे ना। इसको छोटा रखना है, छोटे रखने के लिए बल्किनेस को मत बढ़ाओ, ग्रुप को छोटा रखो, या फिर बल्किनेस और बढ़ा दी। तीन तीन मेथिल ग्रुप हमने लगा दिए। तो अगर इनके लिए हम रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो हमें पता है ये हमारा कंपाउंड नंबर वन है, ये कंपाउंड नंबर टू है, ये कंपाउंड नंबर थ्री है और ये कंपाउंड नंबर फोर है। अगर इनके लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें SN2 रिएक्शन के लिए, सबसे ज्यादा रिएक्टिव पहला कंपाउंड होगा क्योंकि सबसे कम बल्कि है, उसके बाद सेकेंड होगा, उसके बाद थर्ड होगा और उसके बाद अपना फोर्थ होगा। और अगर यही अपन SN1 की बात कर लेते तो इसका जस्ट उल्टा हो जाता, क्योंकि वहां पर कार्बन कैटायन की स्टेबिलिटी को अपन चेक करते, जबकि यहाँ बल्किनेस को चेक कर रहे हैं अपन, स्टेरिकली हिंडर्ड को चेक कर रहे हैं कि कार्बन सब तरफ से कितना ज्यादा घिरा हुआ है। जितना कम घिरा हुआ होगा उतनी ही उसकी स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ करके हमारे पास में आएगी। ये बात हो जाती है हैलाइड के कंपैरिजन के अंदर। न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अप्रोच करता है, जितनी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस रहेगी उतना ही फेवरेबल रिएक्शन नहीं हो पाएगी, यानी कम घेरा आपको रखो ज्यादा स्टेबिलिटी आपको मिल करके आएगी। अब देखो सबूत तो देना पड़ेगा कि SN2 रिएक्शन फेवर हो रही है, तो सबूत अपन क्या करें, कल भी अपन ने दिया था कि अपन काइनेटिक एस्पेक्ट दे सकते हैं उस अभिक्रिया के लिए, उस रिएक्शन के लिए। अगर अपन उसकी रासायनिक प्रगति की काइनेटिक्स की स्टडी करें तो वहां से अपने को एविडेंस मिल जाता है कि रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से हुई होगी। कैसे, अगर रिएक्शन की रेट RX की कंसेंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रही है, एज वेल न्यूक्लियोफाइल की कंसेंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करती है, तो रिएक्शन अपने आप से दो मॉलिक्यूल पर डिपेंड करने के कारण बाई मॉलिक्यूलर हो जाएगी। और बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन को ही अपन SN2 रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ से प्रूफ मिल जाता है कि रिएक्शन की रेट अगर दो मॉलिक्यूल की कंसेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रही है, न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज एल्किल हैलाइड जो आपका रिएजेंट है इन दोनों की कंसेंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है, इसीलिए रिएक्शन SN2 रिएक्शन हो जाएगी। तो केमिकल काइनेटिक्स की स्टडी से भी अपन ये पता कर सकते हैं। और अपने पास दूसरा तरीका होता है स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट का। कल भी अपन ने डिस्कस किया था कि अगर अपन उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री को देख लेते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कॉन्फिगरेशन को चेक करने से भी पता चल जाता है कि रिएक्शन के मैकेनिज्म क्या रही होगी। देखो फर्स्ट में अपन ने क्या किया था, इस कार्बन के ऊपर एक्स को इस तरफ जोड़ा था, जबकि जब प्रोडक्ट अपन ने बनाया था तो न्यूक्लियोफाइल को बैक साइड पे जोड़ा था और इसकी तीन वैलेंसी ऐसी की ऐसी अपन ने यहाँ पर रख दी थी। इसका जस्ट उल्टा है ना ये वाला कॉन्फिगरेशन, ये कॉन्फिगरेशन जस्ट उल्टा है, तो इसको हमने वर्ड दिया था इन्वर्जन। इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन हमने इसको वर्ड दिया था। तो अगर आपको स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट यानी कि इसका जस्ट उल्टा कॉन्फिगरेशन आपको प्रोडक्ट के अंदर देखने को मिलता है तो वहां पर डेफिनेटली इन्वर्जन इन
कॉन्फ़िगरेशन हुआ है और इन्वर्जन एंड कॉन्फ़िगरेशन का पाया जाना केवल एकमात्र प्रोडक्ट का बनना जिसके अंदर इन्वर्जन एंड कॉन्फ़िगरेशन हो उसको अपन डाल देंगे SN2 की कैटेगरी के अंदर, बिकॉज SN1 में तो रेसमिक मिक्सचर बन के आता है, यहाँ तो केवल इन्वर्जन हुआ, रिटेंशन जैसी कोई कंडीशन देखने को नहीं मिली है, इसलिए रिएक्शन अपने आप SN2 को फेवर कर जाती है और अपने को प्रूफ मिल जाता है। अब एक बात सोचो कि ये ऐसा हुआ कैसे होगा। छाता याद है ना, अम्ब्रेला, वॉल्डर इन्वर्जन, वॉल्डर ने डिस्कवर करा था अमोनिया के अंदर। वॉल्डर इन्वर्जन की अगर अपन बात करें तो अपन क्या बोलते हैं, छाते को देख लो, पुराने जमाने वाले गाने याद है ना, एक लड़की भीगी भागी सी छाता लेके डांस करते रहते हैं इधर उधर, वही छाता क्या होगा। मान लो ये छाता है, जैसे ही अपन इसको लेकर के चल रहे हैं बारिश के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही तेज हवा आई इस छाते का उल्टा हो जाना, सारी की सारी जो इसकी ताड़ियां होती है वो सब कहां जाती है, ऊपर की साइड हो जाती है ना, उल्टा हो जाता है। एग्जैक्टली वही इन्वर्जन जो अपने फैन में देखने को मिलता है। फैन इस तरीके से है अपना, एग्जैक्टली तीन इसके पास अपनी जो पंखुड़ियां हैं वो होती है, और ये चौथा अपना ऊपर की तरफ इसकी मोटर लगी हुई होती है। तो देखो ये वाला इन्वर्जन अगर इस पंखी को ऐसे देख लिया जाए तो वो उल्टा हो जाएगा, एग्जैक्टली अगर छाता उल्टा हो गया तो वो भी उल्टा हो जाएगा। ऐसा ही इन्वर्जन यहाँ एयरकिल हेलाइट में देखने को मिलता है। हुआ क्यों था, हवा किधर से आई थी, इधर से आपने इसको पकड़ा हुआ था, हवा आई और हवा ने आकर के सारी की सारी ताड़ियां ऊपर कर दी, बैक साइड अटैक हुआ ना, वही बैक साइड अटैक यहाँ पर देखने को मिलता है, और इस कंडीशन में न्यूक्लियोफाइल बैक साइड अप्रोच कर जाता है। तो इस वॉल्डन इन्वर्जन का मिलना, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन का मिलना SN2 रिएक्शन के मैकेनिज्म को प्रूफ कर देता है। तो SN2 रिएक्शन के लिए हमको एविडेंस दो तरीके से मिल सकते हैं, एक तो उसकी काइनेटिक स्टडी से, रासायनिक बल गतिकी के अध्ययन से, और दूसरा मिल सकता है उसके स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट से, यानी कॉन्फ़िगरेशन की स्टडी से। अगर अपन यहाँ पर रीअरेंजमेंट जो अपने कल देखा था, तो रीअरेंजमेंट की तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि इंटरमीडिएट ही नहीं बन करके आया। अगर इंटरमीडिएट बनता तो अपन ये बोल सकते हैं कि रिएक्शन के अंदर रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा, पर कोई इंटरमीडिएट बना ही नहीं है तो अपन कैसे बोले कि रीअरेंजमेंट हो सकता है। इसीलिए केवल ये दो ही एविडेंस अपने को SN2 रिएक्शन के मैकेनिज्म के लिए देखने को मिलते हैं। SN2 रिएक्शन की मैकेनिज्म यहाँ पर अपनी खत्म हो जाती है। अब अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर SN1 रिएक्शन को कंपेयर करेंगे इस SN2 रिएक्शन के साथ में। SN1 SN2 रिएक्शन का अपन देखेंगे कंपैरिजन, इनको फैक्टर्स ऐसे कौन से हैं जो कॉमनली इन दोनों को इफेक्ट करते हैं, जैसे कि सॉल्वेंट होता है अपना, तो किस सॉल्वेंट के अंदर SN2 रिएक्शन फेवर होगी, किस सॉल्वेंट के अंदर SN1 रिएक्शन फेवर होगी, और इनके लिए एनर्जी कंसिडरेशन का ग्राफ कैसा चलने वाला है, ट्रांजिशन स्टेट की वजह से कैसा ग्राफ आता है, इंटरमीडिएट की वजह से कैसा ग्राफ आता है, ये सब अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक, शेयर एंड कमेंट। कीप स्टडी।